लीजिए भाई साहब, ये है महालक्ष्मी मंदिर। वाह, बहुत फेमस जगह है मुंबई की। इस पहुंच चुके हैं मंदिर। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंपल व्लॉग्स गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ और अभी चल रहे हैं मुंबई दर्शन। जैसे आप लोगों को, जैसे कि आप सब पूछ रहे होंगे मैं कैसा हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। हाँ, तो अभी चल रहे हैं लक्ष्मी मंदिर, तो जो कि बहुत फेमस है और मम्मी पापा को कब से देखना था, तो मम्मी को भी घुमाने ले चल रहे हैं और आप लोगों को घुमाना है यार। अगर शुभम कहीं घूम रहा है तो आप लोगों को घूमना है, तो अभी चलते हैं। तो गाइज, अभी है मुंबई की सबसे फेमस द वर्ली सीलिंग, जो ब्रिज बहुत फेमस है। पहुंच चुके हैं यहाँ लक्ष्मी मंदिर के रास्ते में चल रहे हैं एंड बहुत सुना है, बहुत फेमस है। बस देख भी लेते हैं कितना अच्छा है, कितना फेमस है। एंड लेट्स सी, बोल लीजिए भाई साहब, ये है महालक्ष्मी मंदिर। अंदर में शूट नहीं कर सकता क्योंकि अलाउड नहीं है, तो अंदर मैं आप लोगों को कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, बाकी बाहर से ये है। महालक्ष्मी मंदिर आ चुके हैं और दर्शन कर लिया है और अब चल रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे। बहुत टाइम से आना था, महालक्ष्मी मंदिर देख लिया, कैसा लगा माता जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्हीं की जिद थी कि मंदिर में लाना है इनको, तो लेकर आए इनको और दिखा दिया और इनको अच्छा भी लगा है, जेन्युइनली अच्छा है, काफ़ी फेमस भी है। अगर आप लोग मुंबई में आते हो, मतलब मुंबई की टॉप 10 जिसे कहते हैं फेमस 10 चीज़ों में से, ये जगहों में से एक ये भी है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर भी। अभी चल रहे हैं हम जुहू बीच, तो आप लोग दिखाते हैं जुहू बीच। जुहू भाई साहब आ चुके हैं जुहू बीच पे एंड घुमाते हैं इन लोगों को और आपको भी, तो आप लोगों को भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे दिखा रहा हूँ जुहू बीच, क्योंकि काफ़ी फेमस है मुंबई का। देखते हैं क्या क्या है। वाह, बहुत फेमस जगह है मुंबई की, यानी यहाँ बहुत कुछ खाने को मिल जाता है, सब कुछ है, क्राउड भी बहुत ज़्यादा आता है। खाली थी पाव भाजी, तिलक थोड़ा फैल गया है और अभी खा रहे पालू का, तो टेस्ट करके बता दें। आगे बाकी यहाँ बहुत कुछ है, तो कभी आओ तो बहुत बड़ा और ये आप लोगों को घेर लेंगे इस तरह से कि मतलब आपको कंफ्यूज कर देंगे। भाई साहब खाना ही नहीं खाना, आपकी वैल्यू ऐसा लगेगा भाई कोई स्टार आ चुका है यहाँ पे, आपको खुद ज़्यादा फील होगा कि इस तरह से घेर लेते हैं ये लोग, क्योंकि बहुत बड़ा अंदर से ऐसे सब कुछ मिलता है। तो फालूदा भी खा लिया एंड सॉरी गाइस, वीडियो नहीं बना पाए, इनको फ़ोटो खींचने में रह गए हम इनके फालूदा के साथ, तो फोटोज खींची बस वीडियो नहीं होना। चलो आइसक्रीम खानी, आइसक्रीम लो भाई, आइसक्रीम मम्मी को आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम खिला दे, आइसक्रीम देखते हैं मम्मी को कौन सी खानी है। एंड यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन पुलिस भी आ चुकी है, इतना लेट होते ही फिर पुलिस आ जाती है हटा देती है, क्योंकि 9-10 बजे तक बंद हो जाता है ये, 10-11 बजे तक बंद हो जाता है। एंड मंदिर का है देखने का, एक यहाँ पास में ही है, बहुत अच्छा है, तो देखते हैं चलते हैं। वो भी होपफुली वो बंद नहीं हुआ, अभी अप्रॉक्सीमेटली 8 बज चुके हैं, तो चलते हैं। पहुँच चुके हैं मंदिर जो कि है राधा कृष्ण का, एंड बहुत सुंदर मंदिर है। एंड यहाँ आप कुछ भी खा पी भी सकते हो अंदर, इतना अच्छा है यहाँ पे। एंड इधर आप शॉपिंग भी कर सकते हो, सो यू गाइस कैन सी दिस, यहाँ शॉपिंग भी होती है। एंड यहाँ मैं हूँ, यहाँ मूर्तियाँ भी हैं, यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ मतलब अच्छा अच्छा है। यहाँ रीडिंग के लिए बुक्स भी है, जो कि भगवान वगैरह की बुक्स वगैरह है। मैं पहले आ चुका हूँ लास्ट टाइम, एक बार आया था अभी थोड़े दिनों पहले, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था, मुझे पीस हुई थी, चाइल्डहुड मेमोरी याद आ गई थी। अजमेर में हमारे साईं बाबा का मंदिर भी ऐसा ही है, जहाँ बचपन में हम जाते थे और नानी लेके जाती थी, हम बच्चे सारे जाते थे, तो अभी आरती चल रही है, बहुत अच्छा सजा रहे हैं और मम्मी को भी मतलब राधा कृष्ण जी को मानती है मम्मी, तो बस उसी लिए मम्मी को भी मैं लेके आया। लाइट्स वगैरह बंद हो गई है, लास्ट आरती चल रही है,
क्या लग रही है गाइस, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी डेकोरेशन लग रही है।